23 मई को मतगणना के लिए हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। बकायदा मतगणना केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और सीसीटीवी कैमरों से मतगणना केंद्र को तैयार किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी हमीरपुर ऋचा वर्मा ने बताया कि मतगणना के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और सभी कर्मचारियों अधिकारियों को समय पर पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी हमीरपुर ऋचा वर्मा ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट हमीरपुर पहुंच चुके हैं और हमीरपुर में ही 17 विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट की गिनती भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मतगणना सेंटर के अंदर कोई भी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला के पांचों विधानसभा के 528 मतदान केंद्रों की ईवीएम की मतगणना बाल स्कूल परिसर में ही की जाएगी। मतगणना के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 5-5 वीवीपैट और ईवीएम की मतगणना का मिलान किया जाएगा। मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मतगणना केंद्र के समीप ही मीडिया सेंटर भी स्थापित किया गया है। दो सप्ताह से घर से लापता दिमागी तौर पर अस्वस्थ 35 साल के ऋतु कुमार की तलाश में परिजन दर दर भटक रहे हैं। हमीरपुर जिला के सोहरी गांव के निवासी ऋतु कुमार ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। ऐसे में लापता ऋतु कुमार को लेकर परिजन खासे परेशान हैं। जगह जगह तलाश करने पर भी ऋतु कुमार का कोई पता नहीं लग सका है, इसलिए अब परिवार वाले हाथ में फोटो लेकर ऋतु की तलाश करने में जुट गए हैं। दर दर भटक रहे अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए परिवार वाले चंडीगढ़ से गुम हुआ है और जसवंत चौधरी ने कहा कि छोटा भाई ऋतु कुमार जो दिमागी तौर पर ना बोल सकता है और ना सुन सकता है, इसकी हर जगह तलाश की जा चुकी है। जसवंत सिंह हर जगह पर अपने भाई को ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा। जानकारी के अनुसार ऋतु कुमार सोहरी गाँव का रहने वाला है। जसवंत चौधरी ने कहा कि 8 मई को मेरा छोटा भाई ऋतु सिंह ढोगरा चंडीगढ़ से गुम हो गया है। उन्होंने बताया कि ऋतु सिंह बहरा और गूंगा है। ऋतु सिंह अपने नाम के अलावा कुछ नहीं लिख सकता है। उन्होंने कहा कि हम जगह जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अगर किसी को मेरा भाई दिखे तो प्रेस के माध्यम से या मेरे फोन नंबर पर मुझे बता सकते हैं। मेरा सभी आम जनता से निवेदन है कि 8 मई को मेरा छोटा भाई ऋतु सिंह गंगा और बहरा है चंडीगढ़ से गुम हो गया है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी मेरा भाई दिखे तो या प्रेस के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से या मेरे फ़ोन नंबर से 94-181-0862 पे हमें लिंक करें। ये जन्म से गूंगा है। सोलन पुलिस लगातार चिट्टा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। सोलन पुलिस ने अपने गुप्तचरों को जगह जगह तैनात किया है। थोड़ा सा भी क्लू मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई अमल में लाती है और नशे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। ऐसी ही घटना सोलन के बाईपास पर हुई जिसमें एक कार से करीबन 25.33 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। कार में 3 युवक सवार थे जिनमें से सख्त पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि कार में चिट्टा है। गौरतलब है कि अभी तक चिट्टे को बेचने वाले जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर युवा शामिल हैं। एएसपी शिव कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ की ओर से आ रही कार को जब पुलिस ने रोका तो उसमें बैठे 3 युवा बुरी तरह से घबरा गए। जब कार की तलाशी ली गई तो कार के डैशबोर्ड पर रखे गए कपड़े के नीचे से 25.33 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। तीनों युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों युवा अलग अलग जिला मंडी, किन्नौर और शिमला के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
नूरपुर की ईशा देवी पत्नी स्वर्गीय जोगिंदर सिंह गांव घंडोट अति निर्धन परिवार से संबंध रखती है। मई 15, 2019 को ईशा देवी का छोटा बेटा केतन और उसकी दो बहनें काजल और शिल्पा देवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चिरूड़ी में पढ़ते हैं। केतन की बहन काजल और शिल्पा ने बताया कि उसका भाई केतन बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल खेल रहा था। खेलते खेलते रोहित नाम का लड़का बेट और बॉल लेके साथ खेल रहा था, जो कि बांस का डंडा था। केतन साइड में खड़ा हो गया और रोहित ने गुस्से में आकर केतन को डंडे से पिछले हिस्से पर मार दिया। केतन उसी समय नीचे गिर गया। स्कूल के बच्चों ने केतन को उठाया और पुली पर लिटाया। थोड़ी देर बाद स्कूल के अध्यापक अरुण स्कूल आए और केतन को उठाकर दफ्तर ले गए। उस समय हम दोनों बहनें अंदर थी और छोटी बहन शिल्पा बहुत रोने लगी। काजल ने बताया कि अध्यापक अरुण ने उसकी मम्मी का फोन नंबर लिया। केतन उस समय बहुत तड़फ रहा था। जब इस बारे में स्कूल के अध्यापक अरुण पठानिया, नरेश अध्यापिका और पूनम मैडम से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब वह स्कूल आए तो स्कूल के बच्चे भागते हुए आए और कहा कि बच्चा गिर गया है। जब पूछा कि कैसे गिरा तो बच्चों ने बताया कि भागते हुए नीचे गिर गया है और बेहोश हो गया है। जब रोहित से बात की गई तो पहले तो रोहित टालमटोल करता रहा और बात छुपाता रहा, पर बाद में रोहित से बात की तो रोहित ने बताया कि वह बैट बॉल खेल रहा था और केतन भाग रहा था। केतन को बोला कि भागना मत, तुझे लग जाएगी, लेकिन केतन आगे भागता रहा। जब इस बारे में डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा से बात की है तो उन्होंने बताया कि मृतक की माँ की शिकायत पर मेडिकल रिपोर्ट की दोबारा जाँच करने के आदेश दिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर चोटों से घाव हुआ है। इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।